हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। और आज की वीडियो में मैं एक और अनबॉक्सिंग आपके लिए लेके आया हूँ, जिसमें कि हम करने वाले हैं जेन टेंशनर और बजाज के डिस्कवर 100 के चेन गाइड की अनबॉक्सिंग। तो सबसे पहले इसको चेन गाइड को देखते हैं। इसका जो पार्ट नंबर है 36J8004 और MRP है सिर्फ 81 रुपीज़। और इसमें लिखा हुआ है किट चेन गाइड और 11/2020 में इसकी पैकिंग हुई है। इसमें मैंने लिखा है डिस्कवर न्यू मॉडल, 125 में भी यही लगेगा, 150 में भी यही लगेगा और 100cc में भी यही लगेगा। तो करते हैं इसको अनबॉक्स और देखते हैं। और ये कुछ इस तरीके से होता है चेन गाइड। और इसमें भी पार्ट नंबर लिखा हुआ है JA541035। जो पार्ट नंबर उसमें था ये इसका कुछ और है, मतलब ये चेन गाइड का है, वो पूरे पार्ट का है। और इसमें भी कुछ नंबर लिखे हुए हैं, बाकी इसमें तो कुछ कंपनी का मेंशन नहीं है कि कौन सी कंपनी ने इसको बनाया है। और इसमें भी पार्ट नंबर लिखा हुआ है। उनको करते हैं साइड और करते हैं चेन टेंशनर की अनबॉक्सिंग। और इसका जो पार्ट नंबर है कैमरे में दिख नहीं पा रहा है, इसका पार्ट नंबर है A216 और इसमें 80 हैं। रेफरेंस नंबर है इसमें बजाज डिस्कवर 100 और इसमें लिखा हुआ है टेंशनर असेंबली और ये मात्र 188 रुपीज़ का है। ये डिस्कवर 100cc में भी लगेगा, एक्टिवा में भी लगेगा, सुपर स्प्लेंडर में भी लगेगा और बहुत सारी गाड़ियों में लगेगा। ये वेंडर कंपनी है, एडविक का है। और करते हैं इसको अनबॉक्स। और ये कुछ इस तरीके से होता है और यहाँ पे लिखा हुआ है एडविक, ये एडविक लिखा हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे इसका कोड लिखा हुआ है कुछ। और ये लॉक होता है, इसमें इसको होल्ड करने के लिए जब हम इसको हटा देंगे तो ये रिलीज़ हो जाएगा ऑटोमेटिकली। और ये चेन पैड में या टेंथ इस तरीके से काम करता है, इस तरीके से लगता है ये। और ये इस तरीके से इधर आता है, ऐसे रखते हैं चेन पैड। और इसके बीच में टाइमिंग चेंज चलती है,